आज ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच विश्व कप का 24वां मुकाबला खेला गया, जिसमें नामीबिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 72 रन ही बना पाई और 17 ओवर में ही नामीबिया की टीम सिमट गई। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो जॉश हेजलवुड ने 18 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए, वहीं मार्कस स्टोइनिस ने भी 2 विकेट चटकाए, कमिंस ने 1 और नेथन एलिस ने 1 विकेट चटकाया। लेकिन जो सबसे अच्छी और सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की उन्होंने करी जो एडम जेम्पा, जिन्होंने काफ़ी शानदार और किफ़ायती गेंदबाजी की। एडम जेम्पा की अगर बात की जाए तो एडम जेम्पा ने 4 ओवर में 12 रन देकर 4 अहम विकेट्स अपने नाम किए। वहीं नामीबिया की बल्लेबाजी की बात की जाए तो एरिसमस जो कि उनके कप्तान हैं, उन्होंने 36 रनों की पारी खेली। उसके अलावा माइकल वान लिंगन ने 10 रनों की पारी खेली। उसके अलावा अगर देखें तो और कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट के स्कोर पर नहीं पहुंच सका, जिस वजह से नामीबिया की टीम मात्र 72 रन ही बना सकी। वहीं अब अगर देखें तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जब चेज करने आई तो चेज करने के वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साफ इंटेंट दिखा दिया था कि वो पावर प्ले के अंदर ही इस स्कोर को चेज करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र 5.4 ओवर में 74 रन बनाकर और वो भी 1 विकेट के नुकसान पर इस स्कोर को चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है, और जिसमें 34 रनों की पारी हेड ने खेली नाबाद, 5 चौके 2 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा कप्तान मार्श ने 18 नाबाद की पारी खेली। वहीं डेविड वार्नर की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने 20 रनों की पारी खेली और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई है और सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं अब अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि सुपर 8 में अब खेलती हुई नजर आएगी, उसके पॉइंट्स टैली की बात कर लें तो 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और नेट रन रेट +3.580 का है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।